हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट होम्योपैथिक चैनल डॉक्टर द इज हेल्थ विथ होम्योपैथी सो फ्रेंड्स आज हम डॉक्टर uh, बर्नेट का ट्वेंटी फर्स्ट रीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें uh, हम ये देखेंगे कि, कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प से एक पंद्रह साल पुरानी महिला को जो ब्लीडिंग की कंप्लेंट थी हर महीने बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती थी वो किस तरह से होम्योपैथी की मदद से ठीक हुई और आपने अगर अभी तक भी मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाए सबसे पहले जाएं सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें सो so दोस्तों ब्लीडिंग होना मासिक धर्म के दौरान अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है और अगर यह समस्या बहुत लंबी चले लगभग 10-15 साल तो वो कितना बड़ा मानसिक त्रास है किसी भी महिला के लिए ये आप और हम सोच भी नहीं सकते समझ भी नहीं सकते मगर मैं जो आपको आज केस बताने जा रहा हूँ वो डॉक्टर बर्नेट ने 1882 में डील किया था और चूंकि उस समय कोई इस तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी या सर्जरी इतने एडवांस लेवल पर नहीं थी तो पेशेंट परेशानी हो रही थी दवाएं लिए जा रही थी एलोपैथी में जितने भी उस समय जो भी ऑप्शन अवेलेबल थे मगर कुछ आराम नहीं हो रहा था और जब वो डॉक्टर बर्नेट के पास पेशेंट आई और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई जब डॉक्टर बर्नेट उसकी सारी डिटेल्स ली भैया हर हर कन्फाइनमेंट में जब भी पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लडेड फ्लड्स ऑफ ब्लीडिंग होता और बहुत लंबे समय तक चलता और पूरी तरह से बंद भी नहीं होता और अगला पीरियड आ जाता और फिर ब्लीडिंग ब्लीडिंग इस तरह से वो बहुत परेशान थी मेडिसिन लेने के बाद कभी थोड़ा आराम होता कभी नहीं होता जब उन्होंने डॉक्टर बनेट को दिखाया तो उन्होंने हिस्ट्री ली तो उसमें ये पता चला कि ये जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी उसके पहले उस लेडी को एक मिस हुआ था और मिस के बाद से यह समस्या लगभग पंद्रह साल से चली आ रही है और ये ब्लीडिंग जो है वो जिसके कारण पेशेंट कमज़ोर भी हो गया है एनीमिक भी हो गई हैं जब केस रेपटराइज किया और उन्होंने देखा तो फॉस्फोरस इंडिकेटेड आ रही थी और फॉस्फोरस 200 पोटेंसी ने उस केस को पूरी तरह से ठीक किया इस दौरान कई बार लेकेशिस दी गई अर्निका दी गई थूजा दी गई मगर उनसे सिर्फ टेम्प्रेरी रिलीफ होता और फिर वापस से प्रॉब्लम खड़ी होती तो तीन से चार बार फॉस्फोरस की अलग अलग पोटेंसीज देने के बाद जब आखिरी में फॉस्फोरस 100 दिया तो वो पूरी तरह से उनकी जो हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी वो बंद हो गई और लेडी ने काफ़ी इम्प्रूव फील किया और काफ़ी अच्छा फील किया उनका लेडी का ये स्टेटमेंट था कि आई एम नाउ फीलिंग लाइक अ यंग गर्ल तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय जो एक पंद्रह साल से लेडी परेशान है वो होम्योपैथी की हेल्प से पूरी तरह से ठीक हुई है तो ये एक अचीवमेंट है और डॉक्टर बर्नेट बोलते हैं कि मैं इसको एज अ ट्वेंटी फर्स्ट रीज़न फॉर बींग होम्योपैथ कोट करता हूँ और होम्योपैथी इस तरह की बीमारियों में बहुत ही लाभप्रद है और बहुत शानदार रिज़ल्ट देती हैं सवाल बस यही है कि पेशेंट के एंड पर और डॉक्टर के एंड पर अपने पूरी पूरी एफर्ट्स दी जाए और अगर सही मेडिसिन का चुनाव हुआ है तो आप बिना किसी सर्जरी के बिना किसी ऑपरेशन के इस तरह के हेवी ब्लीडिंग वाले केसेस को ठीक कर सकते हैं हम लोगों ने भी हमारे प्रैक्टिस लाइफ में बहुत सारे इस तरह के हैवी ब्लीडिंग के केसेस को ठीक किए हैं जिसमें फास्फोरस के साथ ही हेमामिलस क्यू एक बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है चाइना 200 से लेकर वन इन वन इम्पोटेंसी तक बहुत यूजफुल है इधर फेरमफॉस के कारण आपका ब्लीडिंग भी कम होता है और उधर आपका जो आयरन लेवल है हीमोग्लोबिन लेवल है वो भी बहुत आ, बढ़ाने में हेल्पफुल होती है फेरम फॉस थ्री एक्स सिक्स एक्स दोनों पोटेंसी बहुत लाभप्रद हैं जो आपको सूट करे आप रैंडमली ले सकते हैं मगर अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करें तो वो सबसे बेस्ट होगा ही विल बी द बेस्ट ओपिन डॉक्टर इस रीजन में एक बात और स्पेशली मेंशन करते हैं वो ये है कि कई लोग या कई एलोपैथिक चिकित्सक यहाँ तक कि कई होम्योपैथिक चिकित्सक भी होम्योपैथी के जो हाई डायल्यूशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हाई डाइल्यूशंस जो हैं वो एक तरह से आ, सिर्फ डाइल्यूशंस हैं उनका कोई मेडिसिनल एक्शन नहीं है मगर हमने ये देखा कि जो हाई डाइल्यूशन या हाई पोटेंसीज हैं वो जब रिज़ल्ट देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देते हैं और कई कई सालों की बीमारियों को दूर करने में बहुत लाभप्रद होते हैं बशर्ते कि अगर आपका जो क्वालिटी ऑफ डाइल्यूशन है वो बहुत अच्छा हो इसलिए हमें बेस्ट डाइल्यूशन कंपनी यूज़ करना चाहिए uh, बहुत सारी कंपनीज़ हैं होम्योपैथी में जो मैं uh, कुछ नाम कोट कर देता हूँ अगर आप अपनी सहूलियत के लिए आपकी सहूलियत के लिए शॉबे इंडिया वन ऑफ द बेस्ट एस बी एल अगेन वेरी गुड मेडिसिंथ ये जो तीन नाम दिए हैं मैंने ये तो मैं खुद पर्सनल चॉइस करता हूं इसके अलावा भी वीजल है फादर मूलर इज़ वन एलेंस एलेंस का भी बहुत अच्छा डाइल्यूशन आता है तो आप उनको अपनी प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं जब भी आप लें तो एक आ, कोशिश यही करना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक अच्छे ब्रांड की या किसी अच्छे डॉक्टर से लें ताकि जो जो रिलायबल है और आपको एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन देगा दे बिकॉज पूरी तरह से सबसे पहले तो होम्योपैथी में आपके सामने तीन दिक्कतें हैं कि चॉइस ऑफ रेमेडी जब आपकी रेमेडी चॉइस सही हो तो उसके बाद उसका जो क्वालिटी है वो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए सबसे बेस्ट लेने का और अपने पेशेंट को देने का प्रयास करें ताकि आपको रिजल्ट बने और लोगों का होम्योपैथी के प्रति एक जागृत और एक पॉजिटिविटी आती जाए सो so फ्रेंड्स यही बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था तो आपने अगर अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाएँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हम लोग लगातार पॉजिटिव केसेस आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से होम्योपैथी अलग अलग बीमारियों में बहुत लाभप्रद है कई बार आपको सर्जरी से भी बचाने में हेल्पफुल होती है तब तक अपना ध्यान रखें टिल देन सी यू सून टेक केयर बाय बाय